मैं इस वक्त फायर फाइटर बोलने के साथ हूँ। बोलिए साहब, आप मेरे को बोलिए, आपको ये आग बुझाने को अभी तक कुछ सोल्यूशन नहीं आया, क्या मतलब है इसका? जोर से बात करता हूँ, आग बुझ रही है, कूलिंग का काम चालू है। हाँ, आप मेरे को ये बोलिए कि इस तरह का आपको ये लोग जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर बने हैं, लोग उसका प्रिकॉशन क्यों ले लिया? ये तो ग्राम पंचायत के हाथ में है, टीएमसी के हाथ में नहीं है। हमेशा मैं देखता कि एक ही कारण देता कि पानी खत्म हो गया। अभी तो गाड़ी का कहते हैं कि 4,500 लीटर पानी का है, यहाँ पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है, बाहर से क्या कर बताना पड़ता है। इसकी वजह से जो आज तक शाम को लगा था अभी तक झुलस रही है, काफ़ी चैनलों में वगैरह देखने में आया था सुबह के वक्त, अभी तक कंट्रोल नहीं। खाली थाना महानगर पालिका गाड़ी एक इंसान के दौर से आप लोग मदद कर रहे हैं। भिवंडी का कोई भी नहीं आया, भिवंडी का देखो आप आइए, गाड़ी नहीं आया है भिवंडी का गाड़ी एक बार आया, एक टैंकर खाली किया, हमारा पानी भरा और बोलता है अब नहीं चलेगा और भाग गया यहाँ से, कुछ काम नहीं किया उसने। हम लोग उसको रात से फ़ोन लगा रहे, पवार साहब को फ़ोन लगा रहे हम लोग, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहा हमारे को। सिर्फ हमको रात से बोल रहे 10 मिनट में गाड़ी आ रहा है, 10 मिनट में गाड़ी आ रहा है, गाड़ी आ रहा ही नहीं अभी तक। ये अकेले बेचारे थाना वाले, देखो ये थाना वाले सिर्फ ये आग बुझाने काम कर रहे हैं, लोग कुछ काम नहीं हो रहा। ये भिवंडी शहर, मेरा नाम आसिफ शेख है। तो मतलब मेन प्रॉब्लम और मेरे को किसके बारे में कमेंट नहीं करने का है, लेकिन एक चीज है कि यहाँ पे पानी का बंदोबस्त क्यों नहीं होता है? पानी हम लोग सब कुछ दे रहे हैं यहाँ पर, पानी जैसे टैंकर अवेलेबल हो रहा है। अभी मेरे को ये बताओ, ये टैंकर वगैरह देने की जिम्मेदारी हमारी भी है क्या? इसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें महापालिका की है कि नहीं? वो भी है ना, हम लोग हमारे तरीके से हम लोग 10-12 गाड़ी दे रहे हैं, अब हम लोग कब तक देते रहेंगे? पानी भी कहीं ना कहीं तो खत्म हो जाएगा, टैंकर वाले भी थक जाएंगे, वो भी इंसान। शुभ नाम क्या है? आसिफ शेख। तो इस तरह से मैं जो आसिफ शेख ने बताया कि उनका जो मेन प्रॉब्लम है कुछ म्यूनसिपालिटी महापालिका उसकी जिम्मेदारी है। आज बोलते हैं कि पूरे महापालिका के अंदर सिर्फ एक ही फायर फाइटर गाड़ी है, वो गाड़ी को भी होते हुए 15 साल हो गए वो गाड़ी को। तो बताओ मेरे को कि ये क्या हो क्या रहा है? अगर जरा कर कोई बड़ी आग अगर लगेगी तो वो 15 साल पुरानी गाड़ी लेकर दौड़ोगे क्या? ठीक है, आप मेरे को एक बताइए कि थाना फायर वाला इधर है, आपको कैसे आपको कॉपरेट कर रहे हैं वो लोग आपने? हाँ, थाने वाले कॉपरेट कर रहे हैं, नगर वाले करे हमको, कल्याण वाले करे हमको, सारे कॉपरेट किए हमको। थाना वाले तो बेचारे रात भर कंटिन्यू लगे, अभी तक लगे हुए। ठीक है, बहुत साहब, आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड प्लीज टेल मी, बोलिए। जो आगन लगे हैं पानी की तकलीफ हो रही है, बहुत दिक्कत आ रही है। कैंसर आ रहा है, अपना जो गाड़ी कैंसर है वो 10 मिनट में खत्म जाता हो जाता है, और कैंसर वो अपना सर्टिफिकेट का कैंसर जी के भरने के लिए कम से कम 20 मिनट लगता है, बाद में 20 मिनट उनको होने के कारण फिर आंगार भड़कती है। ठीक है बोलते साहब, मैं ज़्यादा ये नहीं करूँगा, लेकिन आपने खुद देखा पब्लिक ने क्या स्टेटमेंट दे दिया कि थाना ओके माई फ्रेंड्स, वेरी बैड डे फॉर दी फायर डिपार्टमेंट बॉम्बे एंड दिस फायर स्टिल अंडर कंट्रोल। फायर फाइटिंग्स आर टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ जेंटलमैन मिस्टर बोंदले, हु आई नो सिंस 15 इयर्स फायर डिपार्टमेंट। इट इज माई लक दैट आई एम टेकिंग दिस वैल्यूएबल पॉइंट। थैंक यू।